दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं WWE में द रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन की, जो रेसलिंग के साथ साथ हॉलीवुड में भी जाने माने सुपरस्टार है। इसके अलावा ड्वेन जॉनसन ने अपने करियर में बहुत सारे फुटबॉल मैचेस भी खेले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से WWE और हॉलीवुड में सफलता हासिल की है। तो ये वीडियो काफी कमाल की होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, द रॉक का जन्म 2 मई 1972 को कैलिफोर्निया के हेवार्ड में हुआ था। इनके पिता का नाम रॉकी जॉनसन था, जो कि एक मशहूर रेसलर रह चुके हैं, और इनकी डेथ 15 जनवरी 2020 को हुई है। दोस्तों, द रॉक की फैमिली का नाम अनोआ है और इस फैमिली से WWE में कई रेसलर्स रह चुके हैं और आज भी द उसोज और रोमन रिंग्स जैसे रेसलर्स अनोआ फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, द रॉक को अपने बचपन से ही फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था और वो अपना फ्यूचर भी फुटबॉल में ही देखते थे। रॉक का शुरुआती समय न्यूजीलैंड के ग्रे लीन में बिता, जहां उन्होंने रिचमोंड रोड प्राइमरी स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद एक बार फिर द रॉक की फैमिली USA में लौट आई, जहां पर द रॉक ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई प्रेसिडेंट विलियम मैकनली स्कूल से कंप्लीट की। इसके बाद द रॉक ने फुटबॉल और रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना शुरू किया, जहां पर द रॉक फुटबॉल में बेहतर नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी यूनिवर्सिटी से ऑफर आने लगे, जिसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी में एडमिशन ले लिया और आगे चलकर द रॉक ने काफी सारे फुटबॉल मैचेस में हिस्सा लिया। लेकिन रॉक के फुटबॉल करियर में एक दौर ऐसा आया जब उन्हें कई बार इंजरीज का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते उन्होंने अपने फुटबॉल के करियर को अलविदा कह दिया और रेसलिंग में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। और उस टाइम जब रॉक ने रेसलिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू किया, तब उनके पिता रॉकी जॉनसन ने उन्हें काफी समझाया कि रेसलिंग में काफी खतरा है और एक रेसलर की लाइफ काफी बिजी होती है, तो क्या तुम रेसलिंग करना चाहोगे? लेकिन द रॉक ने तो अपना इरादा रेसलर बनने का बना रखा था। उन्होंने अपने पिता से जबरदस्ती रेसलिंग की ट्रेनिंग ली और फिर 1996 को WWF के साथ अपना रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अपना डेब्यू मंडे नाइट रो में अपने रिंग नेम रॉकी मेविया के साथ किया। रॉकी मेविया द रॉक के पिता और दादा के नाम से मिलकर बना था। द रॉक ने अपना पहला मैच 17 नवंबर 1996 को सर्वाइवर सीरीज में लड़ा, जहां पर उन्होंने अपनी टीम की तरफ से अपोनेंट टीम से 2 सुपरस्टार्स को एलिमिनेट किया था। और उसके बाद आगे चलकर 13 फरवरी 1997 को मंडे नाइट रॉक के एक एपिसोड में द रॉक ने ट्रिपल एच को हराया और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को अपने नाम किया। उसके बाद 28 अप्रैल 1997 को मैनकाइंड के साथ एक मैच में द रॉक इंजर्ड हो गए, जिसके चलते उन्हें WWE से बाहर होना पड़ा था। लेकिन उसके बाद द रॉक ने अपनी वापसी WWE में की और 1998 में अपनी पहली WWE चैंपियनशिप और 2000 के रॉयल रॉम्बल मैच को अपने नाम कर लिया, जिसके बाद द रॉक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने WWE में रहते हुए 8 बार WWE चैंपियनशिप, 2 बार WCW चैंपियनशिप, 2 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और इसके अलावा 5 बार टेक टीम चैंपियनशिप को अपने नाम किया है, जो कि एक रेसलर को सक्सेसफुल होने के लिए काफी ज्यादा है। इसके अलावा WWE में एटीट्यूड एरा के टाइम द रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड की राइवरी को आज तक की सबसे बेस्ट राइवरी मानी जाती है और फैंस ने ये राइवरी काफी पसंद भी की थी। लेकिन 2004 के बाद से द रॉक ने धीरे धीरे रेसलिंग को अलविदा कहना शुरू कर दिया और पार्ट टाइमर की तरह WWE में काम करने लगे, क्योंकि तब तक द रॉक ने हॉलीवुड में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया था। और रॉक की सबसे पहले हॉलीवुड मूवी 2002 में स्कॉर्पियन किंग रिलीज हुई, जो फैंस को काफी पसंद आई। और इसके बाद तो द रॉक ने हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज में लीड रोल का किरदार निभाया और यही वजह है कि आज द रॉक हॉलीवुड के सबसे सफल एक्टर माने जाते हैं। रॉक के इतने बड़े रेसलिंग करियर में उन्होंने 2011 में फिर से WWE में
हैज ए पार्ट टाइमर रेसलर अपनी वापसी की थी और जॉन सीना के साथ फ्यूड में शामिल हुए थे और उस टाइम फैंस ने भी द रॉक और जॉन सीना की फ्यूड को काफी पसंद किया था। अब फिलहाल तो द रॉक हॉलीवुड की मूवीज में बिजी है, लेकिन WWE में आज भी फैंस उनकी वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि द रॉक का जो कनेक्शन WWE के फैंस के साथ रहा है वो शायद ही किसी रेसलर का फैन के साथ रहा होगा। तो बस फ्रेंड्स, ये थी द रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन की लाइफ स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह WWE की कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।